जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत करता हूं। तो हम सबको जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी यूपीएससी आईएएस का नोटिफिकेशन आ गया है। आप कब फॉर्म भर सकते हो, कितनी उसमें फ़ीस लगेगी और बहुत सारी बातें जो चलती आ रही थी कि ये नोटिफिकेशन में आएगा नहीं आएगा, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेट के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब से आया और कब तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डेट आई है इसकी 19 फरवरी 2019 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक हफ्ते के अंदर ही फॉर्म को भर दें, बाद में आपको जो सेंटर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसके बेसिस पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हो सके तो आप एक हफ्ते के अंदर ही फॉर्म भर दें, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट दी गई है नोटिफिकेशन के अंदर वो 18 मार्च 2019 दी गई है। 18 मार्च 2019 शाम को 6 बजे से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा, इसकी साइट की बात करें तो आप डायरेक्टली upsconline.nic.in पर जाके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे वो साइट पे पहुंचा देगी और आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, हर बार जो बात आती है कि वैकेंसी कितनी आई है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने इस बार जो वैकेंसी निकाली है वो 896 वैकेंसी निकाली है, जो पिछली बार की अपेक्षा 100 से भी ऊपर ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। वैसे तो हम सोचते हैं कि 1000 वैकेंसी आएगी, बट इस बार भी इन्होंने 896 वैकेंसी निकाली है। लेकिन आपको वैकेंसी पे नहीं जाना है, हमारी जंग रहती है सिर्फ एक सीट के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम एज के बारे में। तो इसकी जो एज होती है, ये जनरल वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी एज होती है वो मिनिमम जो होती है 21 साल होती है और मैक्सिमम 32 साल होती है। इसकी बात करते हैं जो जनरल के लिए 21 साल मिनिमम होगी और मैक्सिमम 32 साल होगी। लेकिन अगर आप एससी एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो इनके अंदर आपको आरक्षण के मुताबिक ही आपको 5 साल, इसमें आपको एससी एसटी वालों को छूट मिलती है और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है और आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, आप ओबीसी में है, एससी में, एसटी में या जनरल में काउंट होते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि पहले भी मुद्दा बन चुका है अटैम्प्ट के बारे में। तो अभी भी इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है कि जनरल वाले 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं, अब आती है ओबीसी वालों की, तो उसके लिए प्लस 3 अटैम्प्ट और है, यानी वो 9 अटैम्प्ट ले सकते हैं। और एससी एसटी की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए कोई भी अटैम्प्ट की लिमिट नहीं है, जब तक उनकी उम्र नहीं होती, यानी 21 साल से लेके 32 साल तक प्लस 5 वो अपने अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बातें जो पहले से ही चलती आ रही थी, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कि अटैम्प्ट फॉर्म भरने के बाद काउंट होंगे या नहीं होंगे, तो इस बारे में नोटिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं दिया गया है। पिछली बार की ही तरह आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कितने भी फॉर्म भी आप भर सकते हैं। मान लो आपने एक फॉर्म भरा वो गलत हो जाता है, फिर दूसरा फॉर्म भरा वो भी गलत हो जाता है, फिर तीसरा फॉर्म जाके आपका फॉर्म सही भरा जाता है। तो जो भी हाईएस्ट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यूपीएससी उसको काउंट करेगी, आपके 2 फॉर्म को रद्द कर देगी। तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, इसके बारे में आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी, तो आप अटैम्प्ट काउंट नहीं होंगे, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। अब हम फीस के बारे में बात करेंगे कि फ़ी कितनी है। तो जनरल और ओबीसी की बात करें तो 100 रुपये फीस है, एससी एसटी और महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम को देखें जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम थे उसमें से देखा भी जाए तो ये बहुत ही कम फीस है, 100 रुपये जो है, तो ये आपकी फ़ीस हो जाएगी। अब आप देखिए, आप जनरल में हैं, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब
इंपॉर्टेंट बात है ये दो, जिसका मुद्दा पहले भी चलता आ रहा था तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे उनको आरक्षण देने की बात करी की गई थी, तो उसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, यस आपको 10% का आरक्षण मिलेगा इसके अंदर। जो जनरल कैटेगरी है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको 10% का लाभ मिलेगा, ठीक है। ये इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इसमें आप याद रखना कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वाले कैंडिडेट होंगे उनको जो अपना इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बनवाना है वो 1 अगस्त 2019 से पहले बनवा ले, उसके बाद में जो बनवाएंगे वो काउंट नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। अब दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट बात, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम से बात चलती आ रही थी कि कोई समिति बैठी है, उन्होंने ये बोला है कि यूपीएससी के अंदर बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू तक चले जाते हैं, उनके अंदर प्रतिभा बहुत सारी होती है लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद में वो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए भी इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू तक जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके नंबर को, उनके जो अंक आएंगे उनके अंकों को पब्लिक पोर्टल पर भेजा जाएगा, उसके बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उनको पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बड़ी पोस्ट दे सकते हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब देने की बात इसके हो सकती है, दे सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, ये भी इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। तो जो मेन चीज़ थी इस नोटिफिकेशन के अंदर आईएएस यानी यूपीएससी 2019 के अंदर, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ दे दी है, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो रही है, वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें ज़रूर, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।